नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। उत्तराखंड में पांचों लोकसभा सीटों को तीसरी बार हैट्रिक लगाने के साथ ही बीजेपी अब खुशी की लहर भी देखी जा रही है, और ऐसे में बीजेपी ने इसको लेकर कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ समीक्षा बैठक भी की है। बीजेपी की इन दो दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ और कहाँ पर पार्टी को कम मतदान मिले, इसको लेकर के भी चर्चा की गई। बैठक में उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में पार्टी चुनाव के लिए तय किए गए लक्ष्यों को लेकर के बनाए गए लोकसभा प्रभारी, सह प्रभारी और लोकसभा क्षेत्रों के लिए बनाए गए विस्तारकों के अलावा विधानसभा सीट के विस्तारक भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक को लेकर कहा कि चुनाव प्रबंधन पूरे चुनाव में एक प्रमुख कार्य होता है। इसमें हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। चुनाव प्रबंधन चूंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है, और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है, उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और संवाददाता हिमांशु गोड फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई है? जी बिल्कुल विशाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है उसकी बैठक हुई है, और दो दिवसीय बैठक थी, और इसमें तमाम मुद्दों पर चाहे मैं बात करूँ, किन बूथों पर बीजेपी पीछे रही है, किन विधानसभाओं में बीजेपी का जो रिकॉर्ड है, प्रदर्शन है, वो खराब रहा है, किन विधानसभाओं में बीजेपी पिछड़ी है, किन विधानसभाओं में जो है भाजपा ने यहाँ पर पकड़ बनाई है, इन तमाम विषयों को लेकर चुनाव मंत्रणा समिति जो है उसकी जो है बैठक यहाँ पर हुई है। और ऐसे में तमाम, चाहे अब क्योंकि इसके बाद राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, राज्य में आपके विधानसभा चुनाव होने, राज्य में निकाय चुनाव होने हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर संगठन की बैठक हुई है। और कहीं ना कहीं जो है भाजपा आने वाले टाइम पे चाहे निकाय चुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो और दो बाई इलेक्शन क्योंकि अब हाल ही में कुछ ही समय बाद राज्य में होने हैं, और उनको साधने के, उन पर किस प्रकार से विजय हासिल की जाए, उनको लिए जो है भाजपा यहाँ पर जरूर तैयारी करेगी। और कहीं ना कहीं ये कोशिश इस समय संगठन की रहेगी कि इन दोनों ही बाई इलेक्शन में किस प्रकार से जो है पार्टी संगठन को जो है मजबूती प्रदान की जाए। अच्छा, उपचुनाव को लेकर के भी इस दौरान क्या चर्चा हो पाई है? क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स तो फाइनल कर दिए गए हैं, लेकिन उनको किस तरह से जिताना है, किस तरह से जनता के बीच में जाना है, क्या इन सब व्यवस्थाओं को लेकर के भी बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि बाई इलेक्शन होने हैं, और ऐसे में जो मैं खासकर बात करूँ मंगौर सीट की, तो मंगौर विधानसभा में अभी तक जब राज्य में जब से पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से अभी तक भाजपा यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। और इस समय क्योंकि डबल इंजन की सरकार जिसकी लगातार भाजपा बात करती है वो यहाँ पर है, चाहे केंद्र में पीएम मोदी की सरकार हो या राज्य में सीएम धामी की सरकार हो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस सीट पर जो है अपना खाता खोलने की जरूर कोशिश करेगी, और ये कोशिश जरूर करेगी किस प्रकार से जो है मंगलौर सीट को जीता जाए, किस प्रकार से जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके मतों को कन्वेंस किया जाए, उसके वोटर जो है उनको कन्वेंस किया जाए, और तो इस सीट पर जो है विजय का जो है परचम लहराया जाए। इसी के साथ बद्रीनाथ विधानसभा है तो वहां पर राजेंद्र भंडारी क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं तो उस सीट को भी छाड़ने की कोशिश जरूर यहाँ पर भाजपा करेगी। और कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ताओं की अगर थोड़ी बहुत जो नाराजगी है उसको दूर करने का जो प्रयास है उसको यहाँ पर भाजपा करेगी। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, पैसों के लेन देन के मामले में गोली चली है। रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू ग्राम में 3 लोगों को गोली मारी गई है। गोलीकांड में 1 की मौत हो गई जबकि 2 घायल भी बताए जा रहे हैं। देवेंद्र शर्मा उर्फ भारद्वाज मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, साथ ही रवि बडोला नाम के युवक की मौत हो गई है। और ऐसे में जो 2 घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 3 लोगों को गोली मार दी गई पैसों के लेन देन के चलते, और ऐसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 2 गंभीर घायल भी हो गए। ऐसे में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज जारी है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये है कि रात की घटना है, रात गोली चली, 3 लोगों पे गोली लगी, एक की तो अभी बॉडी मिली, 2 को हॉस्पिटल में भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए, और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उस पर जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये निवेदन। और संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ ये पूरा मामला था जहां पर 3 लोगों को गोली मार दी गई और अभी पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है मामले में? जी सर, देहरादून के रायपुर क्षेत्र के डोबाल वाला में जो है ये घटना हुई है जिसमें की पूरा 3 लोगों की जो है पर गोली चलाई गई जिसमें 2 घायल है और 1 की मौके पर यह मौत हो गई, क्योंकि शरीर जब उसको गोली लगी तो भागा, उसके बाद जो है वो नाले में जा गिरा, तो ऐसे में जो है उसकी जो है मौत हो चुकी। तो ऐसे में अभी तक जो है इसकी जो जानकारी पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जो सामने आई है जिसमें की रवि बडोला नामक जो है जिसकी हत्या हुई है उसने अपनी कार जो है वो दी थी भारद्वाज को, यानी कि पैसे में उसकी लेन देन को लेकर उसका सौदे को लेकर 4 लाख रुपए की जो है बात की जा रही थी कि कार जो है वो ले जाएंगे सौदा होगा, लेकिन भारद्वाज के द्वारा 3.5 लाख का सौदा किया गया। उसके बाद जो है तो बडोला अपने दोस्तों के साथ जो है भारद्वाज के घर जा रहा था जिसमें की किसी के द्वारा से सूचना दी गई देवेंद्र शर्मा और भारद्वाज को की वो उसे मारने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जो उसने भी जब वो वहां पर पहुंचे तो उसने गन से जो है उनके ऊपर फायरिंग कर दी और ऐसे में जिसमें की रवि बडोला की जो है मृत्यु वहीं पर हो गई और 2 जो है वो घायल हो गए। जो आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, लगातार जो फरार है और ऐसे में पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। अभी तक जो है ये तमाम चीजें जो सामने आई है, लेकिन अभी और भी क्या कुछ इसमें कानून रहे हैं वो अभी स्पष्ट होंगे और ऐसे में जो गन है वो लाइसेंस की है या कैसी है तो उसको लेकर तमाम जांच होगी और जांच में भी तमाम कारण जो है इसके स्पष्ट होंगे कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं और भी क्या कुछ चीजें रही हैं जिस तरीके से जो है ये पूरा गोलीकांड हुआ। तो अरुण, क्या आरोपी को पकड़ लिया गया है या अभी भी तलाश जारी है? जी सर, अभी आरोपी की तलाश जारी है, पुलिस लगातार जो है उसकी तलाश में जुटी हुई है क्योंकि आरोपी जो है वो करते ही जो है और फरार हो चुका था और ऐसे में देवघाट का मामला है, ऐसे में पुलिस लगातार जो है जुटी हुई है तलाश करने में, जैसे ही आरोपी पकड़ा जाता है उसके बाद ही तमाम कारण जो है वो स्पष्ट होंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यमुनोत्री मंदिर के दर्शन करने के साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अग्रवाल ने यमुनोत्री मार्ग पर यात्रा को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को और तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के व्यवस्थाओं के चाक चौबंद रखने के निर्देश भी दिए हैं। शहरी विकास आवास वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल 3 दिन के उत्तरकाशी भ्रमण पर हैं। दूसरे दिन प्रेमचंद अग्रवाल ने शाम को यमुनोत्री धाम जाकर सूर्य कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर में यमुना की पूजा अर्चना की है और देश प्रदेश के विकास और लोक कल्याण की भी कामना की है। साफ सफाई के लिए मैं ठीक देख रहा था, जहाँ दुकानदारों ने अपनी दुकानें लगाई है एटलीस्ट उसमें नहीं देख रहा था, उस शौचालय की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पानी को भी मैंने कहा है कि जो घोड़े का पानी है पेयजल है उसकी भी जो है व्यवस्था थोड़ी प्रॉपर हमें करनी है। आ जाओ अभी SDM से कहा, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कुछ जो लोग श्रद्धालु आते हैं आस्था का सवाल है, कपड़ा अपना जो है माँ यमुना जी में डाल दें तो हम उसमें भी प्रयास करेंगे कि इसको यहाँ से साफ सफाई करेंगे, यानी कि हमारी यमुना भी साफ रहनी चाहिए जैसे हम गंगा जी के प्रति आस्था वाले
माँ गंगा के प्रति यमुना के प्रति आस्थावान है, यहाँ पे भी वो प्रदूषण नहीं होता। उत्तराखंड चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार के खिलाफ होटल एसोसिएशन और स्थानीय कारोबारी में गुस्सा है। बड़कोट में कैबिनेट मंत्री का चारधाम यात्रा से जुड़े होटल स्वामियों और लोगों ने विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के अध्यक्ष शोभन सिंह राणा के नेतृत्व में किया गया है। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां डोडीताल ट्रैक पर माझी में 1 किलोमीटर पहले 2 स्थानीय ट्रैकर्स के फंसने SOS कॉल प्राप्त हुआ था, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट ने रेस्क्यू के लिए SGRF वन विभाग और पुलिस की टीमों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए थे। इसमें से एक ट्रैकर को हार्ट अटैक की सूचना भी मिली थी, जिससे में रेस्क्यू के दौरान रास्ते में ही एक युवक ने दम तोड़ दिया है। और संवाददाता दीपक नोटियाल उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल रही है मामले में? बताया ये भी जा रहा है कि एक SOS कॉल प्राप्त हुआ था प्रशासन को और ऐसे में टीमें भी भेजी गई थी और एक व्यक्ति ने हार्ट अटैक से दम भी तोड़ दिया है। जी बिल्कुल विशाल, आपको बता दूँ कि जनपद उत्तरकाशी से अगोड़ा गाँव पत्थर से जो पैदल ट्रैक है, इसमें एक जगह पड़ती है माझी, ये डोडीताल से थोड़ा सा पहले, और PWD उत्तरकाशी के जो कहे के इसमें यही बताए जा रहे हैं, और एक जो है तो ये दोनों ट्रैक्टर गए थे, लेकिन रास्ते में जो यही है उसको हार्ट अटैक आ गया था, और जो दूसरा जो उनके साथ जो बंदा था तो वो जो ट्रक पे बटक गया था, जिसके कारण से जो हार्ट अटैक वाला है वो रात भर जो है वहाँ फंसा रहा, और सुबह जो है अभी खबर आ रही थी उसकी जो मौत हो गई, लेकिन जो है उसकी डेड बॉडी और जो दूसरा जो युवक साथ में था तो उनको जो है रेस्क्यू करके जो है अगोड़ा गांव तक तो पहुंचा दिया गया, लेकिन वहां पर नेटवर्क न होने का अभी एक्चुअल इसमें नहीं आ पा रही कि कहां पे इनको लाया गया, लेकिन जो उनको सबसे तक थोड़ी देर में उत्तरकाशी लाया जाएगा। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड अपने जंगल के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राज्य में विकास के नाम पर पेड़ तो धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं, लेकिन वृक्षारोपण होता नहीं दिखाई दे रहा है। बदल गया अब ग्रीन देहरादून, अब पेड़ों की छाव भी नहीं नसीब। यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर। राज्य गठन के वर्षा बाद तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। तब सड़कों से लेकर जहां भी नजर जाती, आम लीची से लगभग बाग बगीचे और गन्ने और बासमती से लहलाते खेत नजर आते थे। लेकिन बुजुर्ग बताते हैं कि राजधानी बनने के बाद यहां शहरीकरण की ऐसी रेस शुरू हुई कि नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण के सवाल कोसों पीछे छूट गए। हरियाली के शहर में आज हर तरफ कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं। ऊंची ऊंची भवनों ने जंगलों की जगह ले ली है। साथियों, उत्तराखंड प्रदेश में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर वर्तमान तिथि तक, ऐसा रिपोर्टों में बताया गया या आंकड़े बताते हैं कि आज तक उत्तराखंड में सड़क चौड़ीकरण के नाम पर सिर्फ देहरादून के आसपास 70,000 पेड़ काटे जा चुके हैं। आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के इस पूरे सिनेरियो में कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जो सामान्य तापमान देहरादून का रहता था उससे बहुत अधिक है। साल दर साल बढ़ रहा यहाँ तापमान, वर्ष 2024 में टूटा 100 वर्षों का रिकॉर्ड, 43 डिग्री के करीब पहुंचा दून का पारा। विकास कार्यों के नाम पर राजगठन से लेकर अब तक सिर्फ देहरादून में 70,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई की गई है। जाहिर है कि पेड़ों की कटाई का असर तो पड़ेगा ही, पिछले कुछ वर्षों से साल दर साल यहाँ का तापमान बढ़ता जा रहा है। 2024 में पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि देहरादून में तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया, जिससे शहरवासियों की नींद हराम हो गई। ये हाल पहाड़ के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के गांवों का भी है, वहां पानी का बहुत अकाल पड़ गया। कई जगह पानी के जल स्रोत सूख गए हैं भयानक गर्मी की वजह से, जंगलों की आग की वजह से। और राष्ट्र प्रदेश की अस्थायी राजधानी देहरादून के आसपास
की खबर है कि 70,000 से अधिक पेड़ काटे जा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम यहाँ के निवासियों को भोगने पड़ेंगे या झेलने पड़ेंगे। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई, अब धूप में छांव के बीच सुकून मिलना मुश्किल। शहर के लोग बताते हैं कि सबसे पहले चक्राता रोड से पेड़ों का सफाया शुरू हुआ। रोड किनारे राहगीरों को छांव देने वाले पेड़ रायपुर और सहस्त्रधारा समेत अन्य रोड से साफ कर दिए गए। हरिद्वार रोड पर बचे कुचे पेड़ लोगों को चिलचिलाती धूप में छांव के बीच सुकून का एहसास करा रहे हैं, वही रोजगार का भी जरिया बने हैं। लेकिन कुछ दिन बाद ये पेड़ भी विकास की भेंट चढ़ने वाले हैं। आशा ये की जा सकती है कि देहरादून शहर में जितने लोग हैं, क्या वो लोग इन विकासात्मक गतिविधियां जिनसे पर्यावरण का नुकसान होता है उसके विरोध के लिए, उसको समायोजित करने के लिए सही साइंटिफिक और मतलब एक तरह से इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन की प्रक्रिया को साथ में रखते हुए क्या हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और विकास के कार्य भी कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें पैरेलली चल सकती हैं नहीं, इस पर काफ़ी कार्य करने की ज़रूरत है। सड़क चौड़ीकरण में पेड़ काटना ज़रूरी है क्या? चौड़ीकरण के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की है अब जरूरत। शहर में रहने वाले बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि सड़कों के किनारे घनी छाव में आते जाते लोग सुस्ता लेते थे, लेकिन सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर जिस तरह हजारों पेड़ों का सफाया किया गया उससे दून की सड़कों से भविष्य में पेड़ों का वजूद मिटने वाला है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये संकेत दे रही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और उनका संरक्षण भी करो। उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और लगातार यहाँ ग्रीन बोनस की मांग उठती रही है, क्योंकि हम पूरे देश के पर्यावरण का जो है संरक्षण करते हैं और अब उसी पर जो है सरकार लगातार कुठाराघात कर रही है। विकास के नाम पर जो है अनियोजित विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है और लगातार जो है पेड़ों का कटान हो रहा है। आप सहस्त्रधारा रोड पे देख लीजिए, पर्यावरणविदों ने जो है भारी विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने भारी विरोध किया, उसके बावजूद भी है पेड़ों का कटान नहीं रुका। खलंगा में तो किसी तरीके से विपक्ष के विरोध के बावजूद जो है अभी तक पेड़ों का कटान नहीं हुआ है। लेकिन सैकड़ों परियोजनाएं मैं गिना सकता हूं, चाहे आप जो है ये मोहन से लेकर के और जो बिहारीगढ़ तक जो एलिवेटेड रोड जाती है उस पर देखिए हजारों पेड़ों का जो है कटान हुआ है। वायु प्रदूषण मानक से 3 से 4 गुना अब अधिक, पर्यावरणविद लगाते रहे हैं प्रदेश सरकार से गुहार, बचे कुचे पेड़ों को जिंदा रहने दें, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। पेड़ों के अंधाधुन कटने से वायु प्रदूषण की स्थिति मानक से 3 से 4 गुना तक पहुंच गई है। जिस रिस्पना और बिंदाल नदी को एक दौर में सदानीरा कहा जाता था वहां अब पानी की जगह गंदगी बह रही है। देहरादून में समय समय पर पर्यावरणविद ही नहीं बल्कि आम लोग भी सरकार से गुहार लगाने लगे हैं, बचे कुचे पेड़ों को जिंदा रहने दें, पेड़ रहेंगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। तपती दोपहरी में लोगों को छांव भी मिलती रहेगी। लेकिन यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम अपनी सुख सुविधा के लिए और अपने स्वार्थ के लिए लगातार जंगलों का नुकसान कर रहे हैं और सड़कों के किनारे या जो हमारी ऐसी लैंड है जो वर्जिन लैंड थी वहाँ से सड़कें निकाल कर हम लोग अपने पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है और भविष्य की ओर चेताती है कि मनुष्य अगर अभी से उसने साइंटिफिकली और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक गतिविधियाँ जैसे सड़कों का निर्माण या औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण, बांध या नहरें या अन्य तरह के विकासात्मक गतिविधियों में वृक्षों को पेड़ पौधों को महत्व नहीं दिया तो उसको आगे बहुत गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। सरकारी आंकड़ों में दून में 70,000 कटे पेड़, वास्तविकता में यह आंकड़ा लाखों पर है। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई और नदियों में गंदगी को लेकर सरकार की अपनी दलीलें हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों की ही देखें तो इससे पता चलता है कि 2000 में राज बनने के बाद सिर्फ सरकारी आंकड़ों में ही करीब 70,000 से अधिक पेड़ कट चुके हैं। वास्तविकता में यह आंकड़ा लाखों में है। हर साल पर्यावरण संरक्षण के नाम पर हजारों पौधे लगाए जाते हैं, लाखों रुपए का बजट पास होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही
देखरेख के अभाव से सारे पेड़ सूख जाते हैं। विकास के लिए जहाँ पर सड़कें चौड़ीकरण की बात होती है, जहाँ पर पुल निर्माण की बात होती है, वहाँ पे जो पेड़ काटे जाते हैं उनके एवज में पेड़ लगाए भी जाते हैं। फॉरेस्ट विभाग जो है, अब मानसून सत्र आ रहा है तो बड़ी संख्या में वहाँ पर जो जितने पेड़ कटते उसके दुगने पेड़ जो हैं वो लगाए जाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ पर कटेंगे उनकी एवज में दूसरी जगहों पर पेड़ लगाए होंगे। ये एक परंपरा, एक जब भी जहाँ जहाँ काम होता है, और ये नॉर्म्स भी होते हैं, इसलिए नॉर्म्स के अनुसार ही सब चीज़ें होती हैं। मुझको लगता है कि जितने पेड़ कटें उनसे दुगने पेड़ जो हैं फॉरेस्ट विभाग द्वारा लगाए जाएंगे। दून के 20 किलोमीटर के दायरे में 8 डिग्री तक बढ़ा तापमान, जहां जितनी संख्या में पेड़ कम वहां का तापमान अधिक। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक देहरादून शहर के 20 किलोमीटर के दायरे में ही तापमान में 8 डिग्री तक का अंतर पाया गया है। कहते हैं कि जहां जितनी संख्या में पेड़ कम है वहां का तापमान उतना ही अधिक है। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है, इसे अब गहराई से समझने की जरूरत है। क्यों कटे पेड़, कितना नुकसान, पर्यावरण हो रहा तेजी से प्रदूषित, साफ हवा लेने में घुट रहा दम, दून में भी भीषण गर्मी का प्रकोप, सड़क किनारे नहीं मिल रही छांव, सड़कों से गायब हो रही हरियाली, पर्यावरण हो रहा असंतुलित, बढ़ रहा बीमारियों का प्रकोप, रोड चौड़ीकरण के लिए काटे जा रहे पेड़, सड़क किनारे बचे कुचे पेड़ों को बचाने की मांग, पेड़ लगाने के साथ ही पेड़ के संरक्षण का भी जिम्मा ले। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां प्रकृति का दिया वो सब कुछ है जो जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन बदलते दौर में विकास के नाम पर जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है वो चिंता का विषय है। राजधानी देहरादून में कहां और किस लिए पेड़ों की कटाई हुई, ये आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की कटाई। दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के लिए काटे गए 10,752 पेड़। विकास नगर पामटा मार्ग के लिए काटे गए 6,500 पेड़। तो वहीं दून पामटा सड़क मार्ग के लिए काटे गए 8,000 पेड़। चक्राता रोड के चौड़ीकरण के लिए काटे गए 2,000 पेड़। सैसधरा रोड पर 2,200 से अधिक पेड़ों की कटाई। अब तक ट्रांसप्लांट किए गए 2,000 पेड़। अल्मोड़ा जिले का है, वहाँ के DFO ने तो जो है 5 सालों में इतनी अधिक जो है अनुमतियाँ पेड़ों के कटान की दी कि बाद में जो है उनके अधिकार को ही सीज करना पड़ा। और बड़कोट पुरोला में और अन्य जगह में जिस तरीके से अवैध पेड़ों के कटान के मामले सामने आए थे, बड़ी निराशाजनक स्थिति है। कोई भी जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए गंभीर नहीं है। और जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई थी, जंगल जल के स्वाहा हो रहे थे, पर्यावरण मंत्री जो हमारे वन मंत्री हैं वो विदेश में घूम रहे थे, और जब जो है इंद्रदेव की कृपा से आग बुझी तब जा करके तो वो लौटे। इतनी गंभीर है जो है सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए, तो किसको कहें, सब राम भरोसे चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय राज्य, ऐसे में अगर विकास कार्यों के नाम पर सरकार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगी और ये उम्मीद करेगी सब कुछ पहले जैसा ही रहे तो वो संभव नहीं है। यहां के लोग हर एक वर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। 2013 आपदा ना तो राज्यवासी कभी भूल सकते हैं और ना ही देश और दुनिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।